मैं अपना जर्नी आपको बता रहा होता हूँ बाज़ दफ़ा स्पॉट पे ना, तो IMX है ये, जैसे आप देखते ना एक बंदा टिकटॉक पे डांस कर रहा है तो उसको देख के आप तो डांस नहीं करने लग जाते ना, तो इसी तरह मैं आपको बाज़ दफ़ा बता रहा होता हूँ, समझो डांस ही कर रहा हूँ ये मैं आपके सामने। तो मैं यहाँ से ये इसको भी बाई कर लूँगा क्योंकि मुझे लगता है IMX में बड़ा पोटेंशियल है। और ये ख़रीदने के लिए क्या होता है, कॉइन मार्केट कैप पे जाएँ, मार्केट्स पे क्लिक करें, और मार्केट्स पे जब क्लिक करते हैं ये आ जाता है भाई कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है। मैं अपना जर्नी आपको बता रहा होता हूँ बाज़ दफ़ा स्पॉट पे ना, तो IMX है ये, जैसे आप देखते ना एक बंदा टिकटॉक पे डांस कर रहा है तो उसको देख के आप तो डांस नहीं करने लग जाते ना, तो इसी तरह मैं आपको बाज़ दफ़ा बता रहा होता हूँ, समझो डांस ही कर रहा हूँ ये मैं आपके सामने। तो मैं यहाँ से ये इसको भी बाई कर लूँगा क्योंकि मुझे लगता है IMX में बड़ा पोटेंशियल है। और ये ख़रीदने के लिए क्या होता है, कॉइन मार्केट कैप पे जाएँ, मार्केट्स पे क्लिक करें, और मार्केट्स पे जब क्लिक करते हैं ये आ जाता है भाई कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है। हमारे बड़े यार ये देखो इतनी काम की वीडियोस डालता हूँ, स्पेशली बुल रन से पैसा कैसे बनना है, कितने व्यूज़ हैं भाई इसके, 30G हम लोग अपने ग्रुप में भी दे देंगे जैसे तैयार हो जाए, लेकिन 100% लोग फिर इस पर यकीन करेंगे। तो अगर ये थोड़ा पंप ले भी लेगा ना, मतलब ये यहाँ चला गया 468 69 के पास, मैं शॉर्ट की पोजीशन पर तैयारी कर रहा हूँ। अगर थोड़ा पंप भी लिया तो शॉर्ट करके इसको 446 तक का टारगेट रखूँगा। अमेरिका की वो 500 कंपनीज जिसमें आप एक साथ अगर इन्वेस्ट करना है तो एक प्रोडक्ट आती है SPY जो पाकिस्तान से नहीं खरीद सकते, तो बाकी दुनिया के लोग अपने बैंक में फ़ोन करके ब्रोकर के थ्रू लें तो ज़्यादा बेहतर है, एप्लीकेशन भी आती हैं, बट एनालिसिस मेरा ये कहता है कि SPY, ये SPY जो हमारे पास ETF है इसमें अब ये बॉट्स लगा के टेस्ट कर रहे हैं, ये हम लोग अपने ग्रुप में भी दे देंगे जैसे तैयार हो जाए, लेकिन 100% लोग फिर इस पर यकीन करेंगे। तो अगर ये थोड़ा पंप ले भी लेगा ना, इसी तरह ये QQQ का मतलब ये है कि टेक स्टॉक 100 टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनी है अमेरिका की, अगर उसमें एक साथ इन्वेस्ट करना है जो पाकिस्तान से नहीं कर सकते तो ये QQQ पे आप खरीद लेते हैं और एक साथ आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो साल आपका आपका सिक्योर रहता है, इतना नहीं करता। अगर मैं इसके चार्ट को देखूँ खरीदारी तो मैं नहीं करूँगा, ऊपर जाए ना जाए, लेकिन क्या ये यहाँ से आकर 377 पे तो वापस इसको आना ही चाहिए। ये तो बहुत मैं कम टारगेट बता रहा हूँ लेकिन शॉर्ट बनेगा मेरे लिहाज से। तो अपने लिए ब्लैक फ्राइडे का अगर मैं डेटा देखूं तो एक अजीब सी बात नज़र आती है, हालांकि इतनी इन्फ्लेशन रेट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद जो है अमेरिका के लोगों ने, वो था ना कि अभी खरीद के बाद में पैसे दे देंगे, 9.8 मिलियन की सेल है जो 7.5% इंक्रीज है प्रीवियस ईयर से। तो ये चीज़ ना फेडरल रिजर्व को ये दिखाएगी कि यार ये तो खर्चा कर रहे हैं कम वक्त, खर्चा कर रहे हैं तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए या जल्दी कट डाउन नहीं करना चाहिए। ये बड़ा एक डेंजरस इंडिकेशन है। फ्राइडे आया के स्पीच करेंगे और ये डेटा वो लाजमी तौर पे कंसिडर करेंगे कि भाई इकॉनमी में तो लोग खरीदारी ख़त्म ही नहीं कर रहे, ये चीज़ ज़रा एक है। डॉलर के चार्ट को अगर मैं देखूं दूसरी करेंसीज के मुकाबले में तो ये रेजिस्टेंस ये लाइन बन रही है, 101 तक तो जाएगा, देखो ना ये हमारा सपोर्ट की लाइन है, ये यहाँ तक इसको जाना चाहिए, यहाँ तक जाते हुए नज़र आएगा। बट ये बहुत सरप्राइजिंग है कि लोग